क्या बोल आज तक पर आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। कहते हैं जंग और प्यार में सब जायज होता है, लेकिन अब इस कहावत में राजनीति शब्द भी जोड़ देना चाहिए, क्योंकि राजनीति के खेल में भी आजकल हर फैसले को जायज ठहरा दिया जाता है। खुद को पार्टी विद अ डिफरेंस कहने वाली बीजेपी अब खुद अपने प्रधानमंत्री के कहे शब्दों का मजाक उड़ा सकती है, क्योंकि सूत्रों की माने तो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए बीजेपी उसी बाप बेटे और बाप बेटी की सरकार में से किसी एक को चुन सकती है जिसे मोदी अब तक कोस रहे थे। इसलिए हम आज पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता कर रही है। क्या दो परिवार ही कश्मीर पर राज करेंगे क्या? और इसलिए जम्मू कश्मीर को अगर बचाना है तो यहां वंशवाद को खत्म करना होगा। यहां तो आरक्षण चल रहा है, रिजर्वेशन। कभी बाप कभी बेटी, कभी बाप कभी बेटा। जो बाप बेटे और बाप बेटी कल तक पीएम मोदी को कश्मीर के दुश्मन लगते थे, अब वही सत्ता के लिए शायद बीजेपी को सगे लगने लगे हैं। सूत्रों की माने तो शायद इसीलिए दिल्ली में उमर अब्दुल्ला की मुलाकात आज अरुण जेटली, अमित शाह और राम माधव से हुई। मुलाकात के बाद उमर वापस श्रीनगर चले गए। दूसरी तरफ श्रीनगर में भी सियासी खिचड़ी पकना शुरू हो गई है। पीडीपी भी कह रही है कि बीजेपी से उन्हें कोई गुरेज नहीं। जो उसूली तौर पर प्राइम मिनिस्टर और मुफ्ती साहब के दरमियान अगर कोई इत्तेफाक हो जाता है तो फिर ये जो छोटी छोटी तफसीलात है जिसे नीटिग्रिटी कहते हैं, ये वर्कआउट करने के लिए नॉमिनेट करेगी पार्टी एक दो तीन लोगों को। बीजेपी भी तैयार है, वो भी एक नहीं दो दो प्लान लेकर। पीडीपी के साथ तीन तीन साल के मुख्यमंत्री पद का प्लान पहले ही मीडिया में सुर्खियां बन चुका है। तो वहीं आज सूत्रों के हवाले से खबर आई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी बीजेपी का प्लान तैयार है। बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को उप मुख्यमंत्री के पद के साथ साथ राज्यसभा की एक सीट और केंद्र में कैबिनेट मंत्री का पद देने का प्रस्ताव रख सकती है और अपने हिंदू मुख्यमंत्री के पद की मांग को भी ठंडे बस्ते में डाल सकती है। इन्हीं तमाम संभावनाओं पर जम्मू में बीजेपी की बैठक हुई और फैसला लिया गया कि अब बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सरकार बनाने पर फैसला करे, यानी अब अमित शाह तय करेंगे कि कौन बनाएगा कश्मीर में सरकार। राजनीतिक परिस्थिति में सरकार बनाने का जो एक प्रश्न है उस पे पार्टी क्या भूमिका निभाएगी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करें और नेतृत्व का विषय भी केंद्रीय नेतृत्व तय करें। कागज पर अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के 25 विधायक और एनसी के 15 और सज्जाद लोन के 2 विधायक और बाकी 4 अन्य को जोड़ा जाए तो कुल संख्या 46 होती है, जो बहुमत के 44 से 2 ज्यादा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री की अपनी मांग को ठंडे बस्ते में भी डाल सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी ने पीडीपी के लिए भी रास्ते बंद नहीं किए हैं, लेकिन सत्ता के इन समीकरणों के बीच नीतियों का सवाल उठने लगा है। तो जम्मू कश्मीर में समर्थन का सवाल नहीं है, सिद्धांत का सवाल नहीं है। वहां की नीति ये कहती है कि सत्ता ले लो और लूट में शामिल हो जाओ। इन सवालों के जवाब तो शायद कोई दल ना दे, लेकिन इतना तय है कि सरकार किसकी बनेगी इसका जवाब आपको अगले चंद दिनों में मिल जाएगा। श्रीनगर से अशरफ पाणी के साथ आज तक ब्यूरो। तो क्या बीजेपी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता कर रही है? जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अभी सियासी समीकरणों पर हर किसी की नजर बनी हुई है, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीम अफजल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये भी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। साथ ही गौहर गिलानी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और जिन्होंने बाकायदा हमारे चुनावी कार्यक्रमों के दौरान ये कहा था कि पीडीपी और बीजेपी का शायद एक गठजोड़ होना जो है नामुमकिन ऑलमोस्ट लगता है। शमीमा फिरदौस नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार रही और हबा कदल से जो है अभी जीत कर आई हैं, वहां विधायक बनी हैं, ये हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ रही हैं। तरनजीत सिंह तोनी लॉयर हैं ये और ये भी वरिष्ठ नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ये जम्मू से हमारे साथ यहां जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ राजदीप सारदेसाई कंसल्टिंग एडिटर टीवी टुडे नेटवर्क स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि मैं अभी श्रीनगर से लौटी हूं, वहां हम लोगों ने पिछले 24-36 घंटों में काफी बार कोशिशें की थी पीडीपी नेताओं से मुलाकात करने की, उनसे बातचीत करने की। ऑन रिकॉर्ड छोड़ दीजिए, वो ऑफ रिकॉर्ड भी किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, उनके मोबाइल फोन्स स्विच ऑफ हो चुके हैं। साफ निर्देश दिए गए हैं कि पत्रकारों से इस वक्त आपको
कोई बातचीत ना करे, इसलिए पीडीपी का कोई नेता जो है इस वक्त हमारे इस पैनल में मौजूद नहीं है। लेकिन सुधांशु जी, अगर सबसे पहले मैं आपसे शुरू कर सकूं, चुनावी रैलियों में चाहे जो भी बातें कही हो, नरेंद्र मोदी ने आज जब सत्ता पर काबिज होना सबसे ज्यादा जरूरी नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर में, तो सिद्धांत बैकसीट पर जा सकते हैं? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने कहा था कि हम पहले दूसरे दलों की प्रतिक्रियाएं देखेंगे, उसके बाद हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। राजनीति में जम्मू कश्मीर एक बहुत जटिल प्रांत है। जटिल प्रांत सिर्फ राजनीति की दृष्टि से नहीं है, भौगोलिक दृष्टि से नहीं है, बल्कि भारत की सुरक्षा और संवेदनशीलता की दृष्टि से भी बहुत ही जटिल प्रांत है। यदि उसमें आज जनादेश इस प्रकार का आया है कि भारतीय जनता पार्टी को मत प्रतिशत के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी बनाया गया है, इसके बाद भी यदि कुछ समर्थन देने के लिए लोग अपने आप हमारे साथ आ रहे हैं, जो आपने देखा कुछ विधायक हमारे साथ आए, और आज परिस्थिति ऐसी बन रही है कि हमारी संख्या तुलनात्मक दृष्टि से सबसे बड़ी बन के उभर रही है। अब यदि आप राजनीति के यथार्थ से देखें, मैं कह रहा हूं एक बार सिद्धांत को किनारे रख दीजिए, इस बात पे बात करिए कि वो सिद्धांत का क्या हो रहा है। यहाँ तो वो सिद्धांत कसौटी पे है जो भाजपा के खिलाफ सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। सुधांशु जी, दूसरे कथित धर्मनिरपेक्षता। सुधांशु जी, दूसरे पैनलिस्ट के पास जाने के पहले आपसे ये जरूर पूछूंगी कि भाई ये जो आप जटिलता की बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, ये रातों रात तो पैदा नहीं हुई है। जब आप वहाँ चुनावी कैंपेन कर रहे थे तब भी यही हालात थे, तब भी यही जटिलता थी, लेकिन तब तो सिद्धांतों की बात कर रहे थे ना आप लोग। देखिए, हम बिल्कुल बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने एक नहीं अनेक अवसरों पर अनेक गठबंधनों में अपने को शामिल किया। एक दौर ऐसा भी आया 77 में अपने पार्टी का विलय कर दिया जनता पार्टी ने भी, मगर जब सिद्धांत की बात आई तो याद करिए 80 में हम अलग हुए थे, वीपी सिंह के साथ समर्थन में खड़े हुए, कई मुद्दों पर हमारा मतभेद हुआ, वीपी सिंह से अलग हुए, उसके बाद देवगौड़ा और गुजराल के समय में कांग्रेस ने उनका साथ दिया, तो हम गठबंधन के साथ रहे। उत्तर प्रदेश में हमने गठबंधन चलाया, कई ऐसे दलों को साथ में लेके आए जिनके साथ हमारा विरोध रहा था, मतलब, परंतु हमारा मूल चरित्र सिद्धांत कभी नहीं बदला। यहाँ सरकार बनानी आपकी प्राथमिकता है और उसके लिए जो है यही एक ऑप्शन है। टोनी जी, आप बताइए, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी तो कहीं ना कहीं अभी तक उमर अब्दुल्ला चुनावी नतीजे आने के पहले दिन कहते हैं कि भाई आर्टिकल 370 यूनिफॉर्म सिविल कोड इनकंसीवेबल है, आप सोच ही नहीं सकते कि बीजेपी और एनसीआर हाथ मिलाए, लेकिन आप वही गुफ्तगु हो रही है। हम आज भी अपने मुद्दों पे कायम है, क्योंकि हमने तो कहीं भी अपने इशू को डाइल्यूट नहीं किया है। हम तो आज भी 370 के ऊपर कायम हैं, हमारी जो लीडरशिप है, तमाम लीडरशिप 370 पे कायम है, और हम 370 तो किसी भी कीमत पे, चाहे सरकार बनती है या नहीं बनती, इसकी परवाह नहीं है हमें। हम अपने मुद्दों पे जो है, नहीं तो अगर इसमें बीजेपी साफ को इसे कोई आश्वासन नहीं देती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस विपक्ष में बैठ जाएगी। पार्डन, अगर बीजेपी कोई साफ गोई से इस पर जो है आप लोग को आश्वासन नहीं देती है 370 के मसले पर, दूसरे विवादित मसलों पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी, विपक्ष में बैठ जाएगी? देखिए, इसके ऊपर लीडरशिप तय करेगी। जिस तरह यहाँ पे जेटली जी ने बात करी है तो वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करेंगे, इसी तरह कुछ मुद्दों पर मैं आपको यही कह सकता हूँ कि उस पर तो मेरी सेंट्रल लीडरशिप जो है वो बात करेगी। उमर साहब हैं, फारूक साहब हैं, जैसे ही वो आते हैं या उमर साहब उस पर बात करेंगे, या सेंट्रल की जो लीडरशिप है वो बात करेगी। आपने जो है यहाँ पर गेंद अब लीडरशिप के पाले में फेंक दिया, वही बात कर पाएंगे, लेकिन जहां तक मुद्दों की बात है, मुद्दों को लेके हम उतरे थे चुनाव में और मुद्दों पे हम आज भी कायम है। ये बल्कि भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना है, न्यूज एल साहब, या फिर घाटी की पार्टियों को भी तय करना है, पीडीपी और एनसी को भी तय करना है, क्या कहेंगे आप? नहीं, हम अपने मुद्दों को डाइल्यूट करके सरकार में आना नहीं चाहेंगे। मीम अफजल जी, आपसे पूछ रही हूं मैं, टोनी जी वापस लौटूंगी आपके पास। मीम अफजल जी, देखिए, जो कुछ आज सुबह को दिखाई दिया उससे ये पता लगता है, और अभी हमारे दोस्त कह रहे थे कि त्रिवेदी जी, के जम्मू कश्मीर एक बहुत ही अहम प्रांत है, और उन्होंने कुछ सिक्योरिटी का हवाला दिया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप सरकार में रहेंगे तभी सिक्योरिटी होगी, क्या उसके बगैर सिक्योरिटी नहीं हो सकती? तो इस तरह का तर्क तो कम से कम नहीं देना चाहिए, इसलिए कि ये आपकी सरकार जरूर है सेंटर में, सिक्योरिटी देना सेंट्रल गवर्नमेंट का फर्ज है, उसकी जिम्मेदारी है, और अब तक होती रही है। मीम अफजल जी, इसलिए उस मुद्दे को अगर आप लाके कह रहे हैं कि उसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हैं,
तो मुझे लगता है ये तर्क कोई बहुत मजबूत तर्क नहीं है। लेकिन मीम अफजल जी, क्या आपको लगता है कि अगर एक स्टेबल सरकार बनने के हित में हो, एक कॉम्बिनेशन जिसमें भले ही सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, वंशवाद को खत्म करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में? जी मीम अफजल जी, क्या आपको लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर के हित में हो कि एक ऐसा समीकरण बने, बीजेपी पीडीपी एक साथ आ जाए जिससे स्थायित्व मिले, तो सिद्धांतों से समझौता हो तो भी चलता है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसकी सरकार बने किसकी सरकार ना बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का तर्क दे रही है और यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि सिक्योरिटी इनकी जिम्मेदारी है और इसलिए उन्हीं को हक पहुंचता है, वो बिल्कुल गलत है। उस तरह की बात से हमेशा परहेज करना चाहिए। दूसरी बात कि मोदी जी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर में बहुत सारी मीटिंग्स की और उसमें उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक तो ऐलान था कि वंशवाद को खत्म करेंगे, बाप बेटे की और बेटी बाप बेटी की सरकार को चलने नहीं देंगे, उसको खत्म करने के लिए वो जम्मू कश्मीर गए, 44+ का आंकड़ा भी रखा था उन्होंने, लेकिन वो जम्मू जाकर उनकी ट्रेन रुक गई, उससे आगे बढ़ नहीं पाए। कश्मीर में उनको एक सिंगल सीट नहीं मिली है, कश्मीर के अंदर 3 सीटें, 3 पार्टियां ऐसी हैं जिनकी कुछ ना कुछ सीटें जम्मू में भी हैं और कश्मीर में भी हैं। मीम जी, तो वो तीनों पार्टियां, ये अकेली पार्टी है जिसकी सिर्फ जम्मू में आप देख रहे हैं हल्ला बोल, जिसमें हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के इस वक्त के सियासी सूरत हाल की और क्या बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अब तक वंशवाद के मुद्दे पर लगातार तमाम विरोधियों पर निशाना साधते रहे हैं, वो आज उन्हीं दलों के साथ हाथ मिलाएंगे जिसमें कि आज वंशवाद ही नजर आता है, चाहे वो मुफ्ती परिवार हो पीडीपी का या फिर अब्दुल्ला परिवार हो। राजदीप, बातें सुन रहे हैं आप इन लोगों की, क्या यहां पर आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति ही ऐसी है कि वहां अभी स्थायित्व ही जो है वो मेन पॉइंट होना चाहिए, ना कि आप किन सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? देखिए, स्थायित्व किस तरह का होगा, अगर आप पीडीपी और बीजेपी की सरकार ले तो नंबर में स्थायित्व है, लेकिन जो हकीकत जमीन पर है कि एक तरफ जम्मू और दूसरी तरफ कश्मीर एक दूसरे से एक तरह से एक टक्कर हो रही है, हिंदू जम्मू और मुस्लिम कश्मीर इस तरह की टक्कर होगी, ऐसे हालात में आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो जम्मू के लोगों को साथ भी ले सकती है और कश्मीर के लोगों के साथ, और ये कैसे आएगी? सूत्र ये भी बता रहे कि बीजेपी एनसी के साथ जो बातचीत कर रही है उसमें कह रही है कि हिंदू सीएम के पोजीशन से हम शायद उस जिद को हम ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉप भी करें तो क्या कहां से, क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को चीफ मिनिस्टर देंगे? क्योंकि जो वादी की पार्टी है वो साफ ये कह रही है कि हम जम्मू के चीफ मिनिस्टर को नहीं लेंगे, केवल हिंदू नहीं जम्मू के मुख्यमंत्री को नहीं लेंगे, इस तरह की एक बातचीत एक माहौल बन रहा है। ऐसे माहौल में आप केवल गणित से नहीं जा सकते, आपको जो राजनीतिक जो हकीकत है उस एरिया की, एक बड़े सेंसिटिव एरिया की, उसको देखकर स्थायित्व नहीं लेकिन एक ऐसी सरकार जो सबके साथ, सबका साथ सबका विकास, जो प्रधानमंत्री कहते हैं इस मुद्दे पर आगे ले जाए। लेकिन शमीमा फिरदौस, क्या आपको लगता है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को मंजूर होगा अगर बीजेपी कहती है कि भाई अब्दुल्ला परिवार से बाहर जो है कोई मुख्यमंत्री बने? ये तो अभी हमने, जैसे कि आपको पता है कि अभी जो बातचीत हुई है, उमर अब्दुल्ला दिल्ली में थे तो उमर अब्दुल्ला साहब वापस भी आ गए शायद, तो मुझे नहीं लगता है ये मुनासिब होगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको एक ही जो उनका एक नारा था, जो कि हमारी एक पोजीशन है, एक खास पोजीशन है, उसके लिए उन्होंने हमेशा काम किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कल की बनी हुई जमात नहीं है कि हम देखेंगे कि चलिए हमारी कुछ चंद सीटें आई है श्रीनगर में या कश्मीर में किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, ये तो एक फैली हुई जमात। लेकिन शमीमा जी, पहले से ही एक तहरीक, जो उमर अब्दुल्ला अब तक कहते रहे कि सबसे बड़ा जो रिग्रेट है उनका वो ये था कि क्यों एनडीए का वो हिस्सा रहे थे। जम्मू कश्मीर लद्दाख में इस बार अब की बार मोदी सरकार देखने को मिलेगी, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और किन सिद्धांतों के साथ समझौता किया जाएगा। गौहर गिलानी, क्या यहाँ जो उमर अब्दुल्ला अब तक कहते रहे कि एनडीए में उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था 2002 के दौर में, वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है, वो उमर अब्दुल्ला एक बार फिर से अगर बीजेपी से हाथ मिलाते हैं या पीडीपी हाथ मिलाती है, क्या इनके अपने पार्टी कार्डर्स चीटेड महसूस नहीं करेंगे, उस पर असर नहीं पड़ेगा? जी, मैं आपको 4 बातें पहले बताना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि इस वक्त जो लगता है कि बीजेपी जो है उसकी डेस्परेशन लग रही है कि उसे किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में हुकूमत कायम करनी है। नंबर 2, जो एनसी है, एनसी के लिए अभी विन विन सिचुएशन लग रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अगर पीडीपी बीजेपी के साथ जाता है तो पीडीपी की जो साख है या इमेज है, जिन मुद्दों पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा है,
जो राजनीति की है उस पर क्या असरात पड़ेंगे और वो किस तरह से वो खुदकुशी कर लेंगे। लेकिन जो आपका सवाल है उस पर आना चाहूंगा कि मुझे बड़ी हैरत होती है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान अभी भी शमीमा जी ने भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है वगैरह ये सब है, तो ये तहरीक 1931 से लेकर अगर जब देखेंगे पूरी हिस्ट्री देखेंगे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी थी 1930 के बाद से, तो तब इनके इलेक्शंस में जब 1950s में जब इलेक्शन हुआ करते थे तब इनको 50-60 सीटें मिलती थी, अब ये पहुंच गए 28 से, अब ये 15 पे पहुंच गए हैं और अभी भी ये बड़ी बड़ी तहरीक की बातें कर रहे हैं। ये राजनीति हमें मतलब इनकी जो राजनीति की स्टाइल है वो कहीं ना कहीं लोगों को नहीं भा रही है। आपने कहा कि बीजेपी की एक डेस्परेशन नजर आ रही है, इस पर हम सुधांशु त्रिवेदी जी से भी हम रिएक्शन लेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।